नजर आ है वेटरन एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के एनआरआई अचीवर्स को फिलिसिटेट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट का, जहां पूनम को सपोर्ट करने आए फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के उनके फ्रेंड्स और वेल विशर्स। मेरे बहुत सालों से दिल में एक इच्छा थी कि जो हमारे इंडियंस हैं जो दुनिया के हर कोने में बसे हुए हैं और ऐसे इस तरीके से बसे हुए हैं कि हर जगह जाके हमारा नाम रोशन करते हैं, सक्सेसफुल हैं, इज्जत पा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, पर ज़्यादातर हमने देखा है बहुत लोग उधर इंडिया में नहीं पहचान पाते हैं। तो हम चाहते थे ये मौका ऐसा है उनको हम रिवॉर्ड करें, उनको अवार्ड करें। वैसे पूनम जी यहाँ एक अच्छे होस्ट की तरह सारे गेस्ट्स को वेलकम कर रही थी। जिससे उनके गेस्ट्स थे काफी इलेटेड। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू अनिल जी दैट यू आस्क्ड मी। आई होप आई मेड एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यश जी हैप्पी। मेरे लिए शायद उतना ही इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड फंक्शन जितना पूनम के लिए है। मुबारकबाद सभी लोगों को जिन्होंने ये IIAA शुरुआत की है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड। और इसीलिए पूनम जी के इन फ्रेंड्स ने इस शो का एंटरटेनमेंट पोर्शन बढ़ाने में अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिया। वी मीन आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा ने जहां एक तरफ सिजलिंग परफॉर्मेंसेस दी, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना ने अपने सॉन्ग्स पर परफॉर्म किया, जिसकी एक झलक आप आयुष्मान के रिहर्सल्स में देख सकते हैं। I think live shows are always very difficult. इसमें कोई कट नहीं होता, कोई रीटेक नहीं होता है एंड लाइव शोज मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं काफ़ी गैप की बात कर रहा हूँ, बट दिस वन इज़ रियली इंटरेस्टिंग, इज़ वेरी यूनिक इन कैरेक्टर एंड इट्स विद जहाँ आयुष्मान इन रिहर्सल्स के दौरान दिखे काफी एक्साइटेड, वहीं परिणीति हो गई काफी इमोशनल। मुझे रिहर्सल में भी रोना आ गया और परफॉर्मेंस में भी रोना आ गया। एक्चुअली जब भी मैं यश जी की आवाज़ सुनती हूँ मुझे एक्चुअली आई मिस हिम एंड क्योंकि हम लोग रोज़ उनसे मिलते थे, हम उनके साथ खाना खाते थे। जिस तरह के इंसान यश जी थे, इट वॉज़ वेरी ईजी टू गेट क्लोज टू हिम, सो आई मिस हिम अ लॉट एंड आई वॉज वेरी प्राउड टू डू दिस ट्रिब्यूट फॉर हिम टुडे। और आलिया के लिए तो ये एक मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि पूनम जी जिन्हें वो बचपन से जानती हैं, आज उनके इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना आलिया के लिए काफी स्पेशल रहा। आई नो पूनम आंटी सिंस आई वाज अ यंग, वेरी यंग गर्ल, आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली विद हिज विद हर सन, सो आई एक्चुअली सैट इन अ हाउस एंड यू नो शी गिव मी फूड एंड एवरीथिंग व्हेन आई यूज्ड टू बी फैट, सो आई एक्चुअली नो हर वेरी वेरी वेल, सो दिस इज आल्सो मोर फॉर स्पेशल एसोसिएशन फॉर मी सिंस इट्स पूनम आंटी एंड सिंस इट्स ऑल डन बाय हर। And I think it's great, yeah, when you do work with your friends and people that you know, it's always a good feeling. In youngsters ke saath is event mein shamil hue kai veterans jaise Dharmendra, Shatrughan Sinha aur Padmini Kolhapuri bhi. मेरे लिए शायद उतना ही इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड फंक्शन जितना पूनम के लिए है, क्योंकि पिछले पता नहीं कितने महीनों से वो मेहनत कर रही है। हमारी जो हमारा जो सीरियल अभी चल रहा है उसके सेट पे वो शॉट देती थी और दौड़ के वापस अपने ईमेल्स या फ़ोन पे लगी रहती थी, तो मैं शायद उतना ही जुड़ी हूँ इस फंक्शन से जितना वो जुड़ी है। इंटरेस्टिंगली धर्म जी और शत्रु जी जैसे दो दिग्गजों का साथ एक फ्रेम में आना बन गया इस शाम का एक विजुअल डिलाइट।
वेल तो कुछ ऐसा रहा ये स्टार स्टडेड रेड कार्पेट, जहां पूनम जी के दोस्तों ने आकर बढ़ा दी इस शाम की रौनक। 1, 2, 3, 4, get on the dance floor.